नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। आरओ एरओ का एग्ज़ाम हो चुका है, हिंदी का पेपर अपलोड हो चुका है जो उसका ऑफिशियल आंसर की आया है, और सामान्य अध्ययन का ये जो पेपर है ऑफिशियल आंसर की, उसके हिसाब से आंसर की को हम अपलोड कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये पेपर भी जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो ये सेट ए है, और पहला जो प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही उत्तर जो है उच्च को माना गया है ऑफिशियल आंसर की के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस है पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग ये भी 9 है, सहकारी समितियां 9 है, और अधिकरण है भाग 10। तो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पता करना था। तो अधिकरण जो है ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है, तो बाकी सब सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के जो विरुद्ध संरक्षण है वो अनुच्छेद 23 जो ये दिया गया है, ये आपका गलत है, बाकी के सब सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP कहा जाता है एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन ए नीला बॉक्स सहायिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम किया गया है। तो मनरेगा का जो बजट आवंटन है उसको 19-20 की तुलना में कम किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो बैंक में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, या फिर सरकारी प्रतिभूतियों में वृद्धि। तो 1, 2, 3 जो ऊपर के हैं वो तीनों के तीनों जो है सही कारण माने गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि GK से प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में सबसे पहले चैत से शुरू होता है, चैत माघ फागुन बैसाख जेठ आषाढ़, ये चैत्र से शुरू होता है, तो चैत्र इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर केरल माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो जो दूसरा कथन है कि यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है, ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वायुमंडल के लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह, तो ये ट्रोपोस्फेयर होगा। देखिए बड़े ही चालाकी से चारों के चारों नाम इसमें जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कई लोगों को पता होता है लेकिन हिंदी पता होता है, इंग्लिश न पता होने की वजह से काफ़ी स्टूडेंटों की शिकायत भी है कि इस तरीके का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैक्टीरिया में किया जाता है। तो ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आलू चिप्स के प्लास्टिकों के थैलों को संकुलित बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन वातावरण में इनको किया जाता है। और पूछा गया है 13वें प्रश्न में कि ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो आसवन उपयोगी नहीं है, बाकी सारे उपयोगी हैं। सफ़ेद प्रकाश की उपस्थिति में निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो ये सब जानते हैं आप लोग कि लाल रंग ही होता है। हींग कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो हींग जो है आपका कहाँ से, जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है। हम लोग ऑफिशियल आंसर के अनुसार ही आंसर को देख रहे हैं जो कि एकदम सही है। त्रिकोष्ठी हृदय कहाँ पाया जाता है, त्रिकोष्ठी जो है हृदय पाया जाता है वो उभयचरों में पाया जाता है, मतलब वहाँ पे 3 चैम्बर्स होते हैं इनके हृदय में, बाकी स्तनधारियों में 2 चैम्बर्स होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति था वो हकीम सूर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अंग्रेजी की सफलता तथा फ्रांसीसियों की जो असफलता थी उसका कारण जो है कौन सा
कौन सा सही है, तो एक व दो दोनों सही है। अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों के दोनों जो है सही कारण है उसके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीन सही सुमेलित हैं, पहला ही सही नहीं है। राज्य द्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में जो हुआ था ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको सुमेलित करना है, आपको बताना है जो रंपा विद्रोह है, रंपा विद्रोह 1989-80 में हुआ था और पाबना किसान विद्रोह जो हुआ था वो 1973 और 76 में हुआ था, तो ये 2413 जो ऑप्शन बी है उस हिसाब से इसको सही माना गया है, क्योंकि रंपा विद्रोह जो है आप देखें तो दूसरे से मिलता है और ये पाबना किसान विद्रोह जो है ये आपका चौथे से मिलता है। बंगाल नील विद्रोह जो है वो आपका 1859-60 में हुआ था और जयंतिया जो विद्रोह है वो आपके 1860-63 से हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा कहता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे, तो BC दत्त जो है INA से जुड़े हुए नहीं थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गांधी जी ने नेतृत्व किया था ये तो आप सभी लोग जानते हैं, अहिंसक आंदोलन था ये भी जानते हैं और इसको खूब जो है इसको खूब बढ़ावा भी मिला और यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी था, लेकिन कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो कथन सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारतीय परिषद मतलब इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन सी के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको कालानुक्रम के हिसाब से जो है दर्शाना है, तो सबसे पहले 1908 में 8 अगस्त 1908 को अगस्त प्रस्ताव आया था और उसके बाद आपका क्रिप्स प्रस्ताव आया था और उसके बाद आपका जो है CR फार्मूला और बाद में बेवेल योजना, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था ये सही नहीं है, बाकी सब के सब सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी फसल की खरपतवार के बारे में पूछा गया है, तो गेहूं का सही है, मटर का भी सही है, बरसीम का भी सही है, लेकिन धान का बथुआ नहीं होता, धान अलग होता है और बथुआ अलग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन से फसल हैं और किस मौसम में होते हैं, तो आप सबको पता है कि जो खरबूजा होता है ये आपका खरबूजा गर्मी में होता है, खरबूजा आपका कहाँ होता है, गर्मी में होता है, और आपका जो सूरजमुखी है, जो सूरजमुखी है वो आपका चौथा ऑप्शन सभी मौसमों में हो सकता है और खरबूजा आपकी जायद की फसल है मतलब गर्मी में होती है। कपास की जो फसल है वो आपकी वर्षा के टाइम पे होती है और अलसी आपकी सर्दी में होती है, अलसी और सरसों ये सब जो है आपकी सर्दी में होती हैं, तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही उत्तर माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। भारत की GDP 209 लाख करोड़ थी, बिल्कुल सही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा, ये भी सही है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया, ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी यहां पर आप देख सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए तथा और दूसरों को कारण चिन्हित किया गया है, तो आपको बताना है कि ये ऐसा है कि नहीं। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था, तो ये दोनों सही है और दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत क्या है, सूची एक सूची दो से सुमेलित करते हुए आपको उत्तर यहाँ पे बताना है। तो आप जानते हैं कि जो निगम कर है वो निगम कर आपका
18%, आयकर आपकी अगर बात किया जाए तो आपका 17%, सीमा शुल्क की अगर बात किया जाए तो सबसे कम 4% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। तो यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन में देख सकते हैं जो डी है वो इस हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलिए जेनेटिक उद्योग के बारे में पूछा गया है, तो ये बच्चा भी बता देगा कि जेनेटिक उद्योग आपका क्या है, कृषि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो माही काटती है। दुनिया में तीन प्रकार की लाइनें हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इनको जो काटने वाली नदियां हैं। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि वो नदी क्या है, बहुत ही जालिम है। क्या है? जालिम है। जा से जायरे, ली से लिम्पोपो और म से माही। तो माही आपका भारत में पड़ता है और कर्क रेखा को दो बार काटता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महान विभाजक के रूप में कौन सा वर्ष को जाना जाता है, तो ये आपका 1921 है। चलिए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, ये आपका झेलम नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको सही कथनों का चयन करना है, तो ये चारों ही कथन सही हैं। रिहन बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, हीराकुंड महानदी पर है, तुंगभद्र परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के संयुक्त प्रबंध है, और जो मैथान बांध है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर है। आपके चारों कथन क्या है यहाँ पे, सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि NGT भारतीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी भाई? 2010 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जर्मनी नॉर्मंडी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है, तो रूर औद्योगिक प्रदेश जो है जर्मनी, ये सही सुमेलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन अफ्रीकी निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिम तट पर नहीं है, तो बोत्सवाना पश्चिम तट पर नहीं है। वन अनुसंधान कहाँ पर है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, कहाँ है, देहरादून में है। भारत का ओशनिका नेशनल पार्क ये कच्छ की खाड़ी में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड आपकी क्या है, वंदे भारत। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, वंदे भारत, जो कि वाराणसी से नई दिल्ली मात्र 6 घंटे में पहुंचाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया, ये आपका पानीपत। उत्तर सही है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला आपकी क्या है, आपकी जामनगर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, बहुत हल्के प्रश्न पूछे गए हैं, गुजरात है, सब जानते हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला कहाँ से प्रदान होता है, गोंडवाना समूह से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। अमेरिका की प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा था एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। और मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था, ये भी आपका सही है। लेकिन याद रखना बहुत कठिन है, ये तो आप याद रख सकते हैं कि आई थी और विद्यालय में योग सत्र को देखा था, लेकिन कौन सा स्कूल था, उस स्कूल का क्या नाम था, कहाँ का था, ये चीज़ें जो है मतलब एक प्रकार से कठिन प्रश्न की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 सूची 2 से मिलान करिए, कठिन प्रश्न है। राम मंदिर से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है। महंत नृत्य गोपाल दास जो है ये अध्यक्ष हैं, और स्वामी गोविंद देव गिरी जी जो हैं वो आपके ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है। चंपत राय की बात की जाए तो चंपत राय जो है ट्रस्ट के महासचिव हैं और नृपेन मिश्र प्रमुख का निर्माण समिति के प्रमुख हैं। तो आपका ऑप्शन इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत से लोगों ने ऑप्शन नहीं माना था, लेकिन बी होगा, और ऑफिशियल आंसर की में भी बी ही माना गया है। और 51वां क्वेश्चन है कि आस्कर पुरस्कार 2020 किस फिल्म को दिया गया, तो पैरासाइट को दिया गया, एवेंजर को नहीं दिया गया था। जोकर और गली बॉय ये बॉलीवुड की फिल्में हैं, इन दोनों को हो ही नहीं सकता, आसान प्रश्न था, पैरासाइट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, भुवनेश्वर में किया जा रहा है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ पर आयोजित है, ये भुवनेश्वर में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि ए और आर मतलब कि कौन से कथन सही है और कारण भी सही है और क्या कारण है ये बारे में पूछा गया है। फरवरी 2020 में सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया गया, बात सही है। सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए सत्य है और आर असत्य है, ऐसा कुछ होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला 2020 विश्व कप जो ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 में हुआ था, कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं SS धर्मशक्तु। और अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है, आपसे पूछा गया है कि 63:9 समानुपाते क्वेश्चन मार्क है और 14, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है 69 होगा। काफ़ी पजल टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। देखिए यहां से आप ऐसे समझिए कि 9 में हम क्या जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, तो 9 में जोड़ेंगे 5 तो 14 मिलेगा, 63 में भी हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 63 में 5 जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? 68। अदरवाइज आप दूसरा ट्रिक लगाते रहेंगे, आंसर नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे डायनासोर से ड्रैगन संबंध है, वैसे ही हिम से आपका बर्फ संबंध है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि 8, 15, 28, 53 के बाद क्या होगा, तो ये आपका उत्तर 102 होगा। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में 14, फिर 14 से ये 53 होने में उसका जो है 21 को जोड़ा गया है, उसके बाद 28 को जोड़ा जाएगा। इसी हिसाब से जो है 7×2=14, 7×3=21, 7×4=28, इसी हिसाब से जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, 102 को प्राप्त कर लेंगे, तो 102 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि ये कॉलम बने हुए हैं, इस कॉलम में आपको इस स्थान की वैल्यू पता करनी है, तो ज़रा देखिए 9×9=18, ये 13 तो 13×2=26, तो ये 20 है, तो कितने 20 होता है आपका, 10×20 होता है, तो 10×20, तो ये 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका डायरेक्शन टेस्ट है, तो इसका उत्तर जो है 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, आसान सा प्रश्न है, आप लोग कर ही लेंगे। और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य तीन से भिन्न है, तो 13 जो है अन्य तीन से क्या है, भिन्न है। कैसे भिन्न है मैं आपको बता देता हूँ। 7 में 6 जोड़िए 13 मिलता है, 9 में 4 जोड़िए 13 मिलता है, 8 में 5 जोड़िए 13 मिलता है, लेकिन 13 में 1-3 जोड़ेंगे तो 4 मिलता है, इस वजह से ये आपका भिन्न है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये 62 है वो संबंध दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ससुर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था, 2017 में हुआ था। निम्नलिखित जनपदों में से किसकी साक्षरता सबसे कम है, तो जब सबसे कम की बात की जाए तो श्रावस्ती याद रखिए, हर चीज़ में सबसे कम आपको कहाँ मिलेगा, श्रावस्ती ही मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र की नहर सिंचाई का कितना प्रतिशत है, तो ये इसका सही उत्तर क्या है, 30 है। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप वगैरह से होता है, दूसरे नंबर पर आपका नहर वगैरह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हुए सही उत्तर बताइए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो माचिस है वो कहाँ, बरेली में होती है, जो पीतल का सामान होता है वो आपका मुरादाबाद में होता है, खेल का सामान आपका जो होता है वो आपका मेरठ में बनता है, और लकड़ी आपकी सहारनपुर में बनती है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकगीत तो जानते ही हैं, बिरहा, चैती और ढोला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रमुख लोक नृत्य के बारे में उत्तर प्रदेश के पूछा गया है, तो चरकुला, कर्मा और पांडव है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है, भैया ये वाराणसी में की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये कहाँ पर है, आंवला में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो संघराज क्षेत्र भाग 6 में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको अभिकथन और कारण में बताना है, तो अभिकथन क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, और कारण है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, तो ये दोनों सही है और आर ए का सही कारण भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि यहाँ पर भी आपको कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर देना है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये अंतिम ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो NDC है वो आपका 1954 में सही नहीं है, बल्कि 1952 में इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको फिर से रीज़न को बताना है और पूछा गया है, तो ए तो सत्य है परंतु आर असत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो हरित बांड स्थिर ब्याज पर प्रतिफल के अकल्पित परिपक्वता का निवेश है, यही सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको ये सुमेलित करना है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से ये ए और आर दोनों सत्य होंगे और आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो CRCT के बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CRT की स्थापना 1979 में की गई, सही है। CRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था, ये भी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का एकमात्र चरम स्रोत क्या है, सूर्य है, बच्चों वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन सा है, वो आपका सौर ऊर्जा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लौह धातु के क्षयकरण में क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन और नमी, ये दोनों आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, दूसरे हिसाब से घुमा करके पूछा गया है, टेंशन ना लीजिए। अगले प्रश्न की प्रश्न है कि महासागर में जो डूबी हुई वस्तु है उसको जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। रामसर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है, तो सब जानते हैं आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंध रखता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर विटामिन्स के बारे में पूछा गया है, तो सब लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, विटामिन सी आपका नींबू में होता है, खट्टे पदार्थों में होता है, तो यहीं से आपका मिल गया। डी का फोर क्या है, डी का फोर यहाँ पे है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी भी आप लोग मिला लीजिए। आपका जो विटामिन डी होता है वो कॉड या कृत तेल में होता है, और आपका जो विटामिन ई होता है वो गेहूं के भूड़ तेल में होता है, बचा क्या, विटामिन ई अल्फा अल्फा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत से काम करने बाकी हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 थोड़ा सा विवादित हो सकता है, इसलिए मैंने घेरा बनाया हुआ है, इसका जो है आयोग ने 3124 उत्तर माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका उत्तर जो है कालानुक्रम के हिसाब से इसको क्या करना है, सेट करना था, सुमेलित करना है। इलाहाबाद की जो संधि है वो आपकी जो है 1765 में हुई थी, इलाहाबाद की संधि, और एक्सला चैपल की जो संधि है वो आपकी 1748 में हुई थी, और ला बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर जो अधिकार हुआ था वो 1746 में हुआ था, और डुप्ले की जो पैचिति हुई थी 1748 में हुई थी, तो ऑप्शन बी यहाँ से आप देख लीजिए सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ की फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको कालानुक्रम के हिसाब से आपको सभी युद्ध को दर्शाना है, तो सबसे पहले आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी के युद्ध के बाद आपका चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध, और फिर तालिकोटा का युद्ध, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें भी आपको कालानुक्रम को ही दर्शाना है, तो सबसे पहले आपका पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर उसके बाद आपका जो है गांधी इरविन समझौता, फिर पूना पैक्ट, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात करें तो ये रनाडे थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये फिरोज शाह मेहता थे, और मद्रास महाजन सभा ये आपके जो है आनंद चारलू जी थे, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एम्पेरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो ये आपके विलियम हंटर थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है, कलकत्ता
के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की थी और लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रमाणित बीज के थैलों पर किए जाने वाले टैग का रंग क्या है? नीला है, नीला होता है। और जो सुनहरा पीला की अगर बात करें तो सुनहरा पीला जो होता है वो प्रमाणित बीज के, प्रमाणित बीज नहीं, ये उत्तम बीज के उस पर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इटावा जो पायलट प्रोजेक्ट था वो अल्बर्ट मायर के द्वारा था, ये सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मक्का आपका वाराणसी में नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में कहाँ शुरू की गई? महाराष्ट्र में शुरू की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन से कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक एक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है कौन? ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में कह रहा है। ₹5,00,000 की जमा इसके द्वारा बीमित है, दोनों कथन जो है ये सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको यहाँ पर बैंकों की पहचान करनी है। देखिए ICICI क्या है? निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, प्रश्न पूछा जाता है, आपको पता ही है। इंडियन बैंक सरकारी बैंक है, तो सार्वजनिक यहाँ पर लिख दीजिए आप। तो A4 और B3 के हिसाब से अंदाजा लगाइए, ये हो जाएगा। सिटी बैंक आपकी विदेशी हो जाएगी, शाश्वत बैंक सहकारी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ए और आर के बारे में फिर से हमें यहाँ पर जो है चर्चा करनी है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, सही है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है, ये भी सही है। और सही कारण भी एक दूसरे के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य पूछा गया है, वो रोजगार का सृजन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर नगरीकरण सबसे निम्नतम है। केंद्र राज्यों के जरवा जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इसमें सुमेलित करते हुए आपको बताना है। तो गुरु महिषानी आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचीर की अगर बात करें तो ये आपका कोयला के लिए। जादूगुड़ा की बात करते हैं, जादूगुड़ा आपकी यूरेनियम के लिए और जावर आपकी जस्ता के लिए। तो आपका ऑप्शन 3 मतलब सही हो जाएगा। भारत में मानसून अरब सागर से आती है, आपको पता ही है, तो जाहिर सी बात है ये दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार की राजधानी यंगून है, आपको पता है, तो इसी से आप पूरा गेस कर सकते हैं, क्योंकि एक आचार होना चाहिए, बाकी हिसाब से आप कर लीजिए। कंबोडिया की जो है नाना नाम पेन होगी। वियतनाम की अगर बात करें तो हनोई होगी और लाओस की वियतनियन होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नदी और शहरों के बारे में बताना है। तो सतल अरब कहाँ पे है? बसरा में है। पराग्वे की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? एंसेंसियन में है। नाइजर की बात करें तो नाइजर आपका नियामी में है। और डेनब्यूब की बात करें तो ये आपका वियना में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अवशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? तो ये उत्तर क्या होगा? नागालैंड होगा। नागालैंड में शेड्यूल टाइप्स तो पाए जाते हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं पाए जाते हैं, इनकी संख्या 0 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जून जुलाई में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है, किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, लेकिन चित्रकूट जिला की बात करें तो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में है, और उसके बाद जो है नायब की बात किया जा रहा है, तो इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी। और 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का जो थीम था वो शासन में सांख्यिकी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो कंगना रनौत को दिया गया है। जनवरी 2020 में पद्म विभूषण ऑस्कर मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर 4 होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 दिया गया है? तो पुलेला गोपीचंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में ऑपरेशन वनीला का संबंध आपदा प्रबंधन से है। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अजय वॉरियर 2020 भारत और यूनाइटेड किंगडम के सैनिकों के बीच हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये आपका एक और दो दोनों सही है, क्योंकि यह 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला था और इसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, कारपेट को ये लिखा गया है तो नेशनल को क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखा जाएगा। देखिए, कारपेट को अगर आप पढ़ेंगे तो कारपेट की नंबरिंग लिख लीजिए, सी जो है पहले स्थान पे है, ए आपका दूसरे स्थान पर है, तो नंबरिंग लिख लीजिए और उसी हिसाब से फिर देख लीजिए कि इसको कैसे सेट किया गया है। तो नेशनल को भी नंबरिंग करके आप उसी हिसाब से उसको भी सेट कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, कोई बात नहीं, आगे वह 3 सेकंड विलंब हो जाती है, तो बताइए कि हर 3 सेकंड विलंब हो जाती है प्रत्येक मिनट में, तो रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद 1 घंटा पूरा विलंब होगी? तो 3 मिनट पहले से ही विलंब में है तो 57 मिनट उसको विलंब होना है, और जो है 3 सेकंड विलंब होती है 1 मिनट में, तो 20 मिनट में 20 तिहाई 60, मतलब कि 1 मिनट विलंब होने के लिए उसको 20 मिनट का वक्त लगेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा 57 में, जो कि 1140 आपका उत्तर दे देगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये ही बराबर 41 है आपका, सी बराबर क्या है 49 है आपका, तो देम बराबर आपको पता करना है, तो देम बराबर 62 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। कैसे करते हैं, कैलेंडर के टॉपिक पे आप देख सकते हैं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। शब्द का जैसे संबंध वास्तविकता से है, वैसे ही मिथ्या का संबंध सत्य से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ 7 18 40, यहाँ इसके स्थान पर पता करना है, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, 7 दुना 14 होता है, 4 जोड़ती हैं तो 18 हो गया, 18 दुना 36, 4 जोड़ दिए हैं तो 40 हो गया, 40 दुना 80, तो 4 जोड़ दोगे तो 84 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण समान प्रतिबिंब है? तो 11। आप लोग ABCD लिख के देख लीजिए, उल्टा सीधा एक समान कौन कौन बन रहा है, वही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद स्थापित कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर 1995 होगा। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो IVR आपका लखनऊ में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा फिर सही सुमेलित नहीं है? तो पीतल की मूर्तियां मथुरा में नहीं बनती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका बटेश्वर जो मेला है, देवी पाटन मेला, ये आपका बलरामपुर में होता है, और आपका कामपील मेला जो होता है वो आपका फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला की बात करें तो ये आपका आगरा में, और दादरी मेला बलिया में, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 3 हैं। तो ये आपका RO का ऑफिशियल आंसर की था, आप इसको मिला लीजिए। अगर आप इस पेपर को चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।